The NewsX Dynamics exit poll has predicted that BJP-led NDA would be winning in 371 seats, while India Bloc would register victory in 125 seats. Three exit polls predicted that the NDA may create history and cross the 400-seat milestone. In the Lok Sabha polls this time, many exit polls also showed a massive win for the BJP in Congress-ruled Karnataka as well. The projections suggest a landslide victory for the NDA, reaffirming the party's strong electoral performance and the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Well, if the predictions hold true, it would mark a historic mandate for the ruling coalition, surpassing its previous performance in the 2014 general elections. A lot of reactions are pouring in to the exit poll projections. Listen in. तो प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाते कई प्रदेशों में हमारा जाना हुआ तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण था। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस इस देश की जनता, भाजपा विरोध में इस देश की जनता, ऐसा ही चुनाव का लोगों की भूमिका थी और इंडिया आघाड़ी के साथ पूरे देश की जनता एक तरफा खड़ी थी और इसलिए जो भी एग्जिट पोल आज दिखाए जा रहे होंगे उस पर न जाते हुए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि आखिरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कोल ही ये सबसे बड़ा होता है और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इंडिया आघाड़ी की जो तादाद होगी वो 300 के ऊपर इंडिया आघाड़ी के सांसद चुन के देश में आएंगे। एग्जिट पोल अद्भुत चीज़ है, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफ़ा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है, तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पर नहीं बोले, ये रोजगार पर बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून। देखिए, विपक्ष टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। देश में पहला बार कोई संत प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनके झोली में, जिनके कपड़े में जेब नहीं है, एक बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए ही सब काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति, ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। ये इंडे है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है, ये पैसा फेंको, तमाशा देखो। जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हम भी, हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते, ये मटका है, समझा ना? कि हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस,
295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। अब देखिए 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर से आए हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना है बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए, पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ, 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है, यानी कि हमें 200 मिनिमम न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये एग्जिट पोल जो जनता का रुझान और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का जो अनुमान है उसके नजदीक पहुंचा है, और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगी टेली और 4 जून को एनडीए 400 पार होने वाली है, और निश्चित रूप से जो 400 पार कहा है वो पूरा होने वाला है, इसका संकेत इन एग्जिट पोल के नतीजों से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सर 10 से 11 सीट छत्तीसगढ़ में भी जो हमने अनुमान लगाया है कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को देने वाली है। बिग फेस्टिवल, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, नाउ वी हैव गॉट द ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल एंड एग्जैक्ट पोल results are on 4th. Very hopefully we are expecting the exact poll results, because exit poll itself reveals that our honorable prime minister will be the prime minister for the 3rd time. So the country is going to move towards the progressive path which has been initiated by our honorable prime minister. We are all very happy, and I can say that even in Tamil Nadu we get more number of seats than the predictions, and the percentage will be more than the predictions. ये सब जो है जिसकी सत्ता होती है, जिसके पावर में होते हैं, उनको खुश करने के लिए वो ऐसे सर्वे दिखाए जाते हैं। हमें इसके ऊपर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं, 2 दिन उनको खुश रहने दो। जनता ने निर्णय लिया है और 10 में से 8 लोग 7 लोग सरकार के खिलाफ में बात कर रहे थे, सरकार के खिलाफ में गुस्सा था। अगर ये आंकड़े बताए जाते तो इसको हम लोग ज्यादा तजुर्बा देने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है और 4 तारीख को इंडिया आगाड़ी की सरकार बनेगी। ये अंदाज तो सब कुछ करते हैं, अंदाज कोई हर टाइम में सच्चा निकलता है, सत्य निकलता है, ये कोई अभी तक फिक्स नहीं हो रहा। आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में भी 200 के पार की बात की थी और निकला क्या तो 70 निकला था। वैसे बहुत सारे स्टेट में भी ये अंदाज गलत निकला है। देखिए ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी है। ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे जब बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, हुआ क्या आपको मालूम है। कहीं ना कहीं चैनल भी मैसमराइज है, और ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जिट पोल करने वाले कौन हैं और कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। हमें ज़मीनी हकीकतें मालूम है। इस वक्त का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव किसी धार्मिक मुद्दे पे नहीं हुआ है, चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे और महंगाई पे, किसान पे और गरीब पे, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। देखिए ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी है। ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे जब बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, हुआ क्या आपको मालूम है। कहीं ना कहीं चैनल भी मैसमराइज है, और ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जिट पोल करने वाले कौन हैं और कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। हमें ज़मीनी हकीकतें मालूम है।
इस वक्त का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव किसी धार्मिक मुद्दे पे नहीं हुआ है, चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे और महंगाई पे, किसान पे और गरीब पे, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। एग्जिट पोल ऑलवेज नॉट 100% एक्यूरेट। कांग्रेस इज ऑलवेज टेकन अ स्टैंड नॉट टू इंडल्ज इन टू टीआरपी रेटिंग्स। मोस्ट ऑफ दिस एग्जिट पोल्स बीन स्पॉन्सर्ड अनलाइक एन अर्लियर लास्ट 10 ईयर्स अंडर मोदी गवर्नमेंट। Most of this media under control of Prime Minister Modi and his party, and these polls were being sponsored and paid off. That's how they're manipulated. So Congress stand always, neither we completely reject it nor we completely believe it. The exit polls indicate our people have blessed beloved Modi ji to become the first ever Indian born in independent India to secure a historic consecutive third term to become the Prime Minister of India again. This also very clearly reiterates the resolute trust our people have in Modi ji ki guarantee, and the exit polls signify the firm faith our people have in the selfless, steadfast leadership of Modi ji. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.